ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका और लगातार आपको हम रूबरू करा रहे हैं आज सुबह से ही कि इस बजट में किन किन बातों का जिक्र किया गया और प्रदेश के जो हम लोग 2.5 करोड़ बता रहे थे वित्त मंत्री ने उसको 2.60 करोड़ बताया है इस वक्त और उनके लिए पूरी तरीके से इस बजट को करा दिया। एक पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से आपको मिलवा देते हैं इस पैनल से। हमारे साथ अतुल सिंघल जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत नैयर जी हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट जुड़े हुए, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मनीष बंसल जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है, कर सलाहकार। और अजय गुलिया जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए हैं और वंदना पोपली जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं शुरुआत अतुल सिंघल जी आप ही से करना चाहूंगा, जो मेरा सवाल उस समय था जो जवाब हम पूरा नहीं ले पाए थे, इस बजट को किस तरीके से आप समझते हैं देखते हैं? देखिए साकेत, चुनावी वर्ष में एक जैसा बजट होना चाहिए उसी तरीके का बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। नया कोई कर इस पे नहीं लगाया गया, अलबत्ता जो है जो नेचुरल गैस है उस पर 6% का डिस्काउंट जरूर दिया है उद्योग क्षेत्र के लिए। और अगर देखा जाए जो सबसे अच्छी बात मेरे को इस बजट में लगी वो ये कि उन्होंने पूंजीगत विकास के लिए 8,000 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया है, 26% का ये इजाफा है। और खुद जो है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शुरू में कहा कि वो चाहते हैं कि सड़क पुल और ढांचागत विकास होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उससे ये दिखता है या सोच लगती है सरकार की कि एक लोगों को विकास होना चाहिए और एक पूरी तरीके से जो काम होना चाहिए हर क्षेत्र के अंदर। तो 8,000 करोड़ की राशि और 26% का जो बजट बढ़ाना है ये एक अच्छा कदम, इसको मैं मानता हूँ। ठीक है, अगर इस चीज को ऐसे समझें कि मनीष जी कर की बात यहाँ पर सामने आई है और कर में जिस तरीके के बदलाव की बात सामने आई है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिना टैक्स के हमने GDP को आगे बढ़ाया है और प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, किस रिगार्डिंग देखें आप इस? इसको एक तो इसमें 6% जो CNG पे किया है उससे इंडस्ट्री की कॉस्टिंग बहुत कम होगी जिससे कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। साथ में एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ला के जो सरकार ने हरियाणा VAT में एक अच्छा कदम उठाया है जिससे कि जो सरकार का विजन रहा है कि डिस्प्यूट्स नहीं हो लिस्ट डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, उसके लिए एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि लिटिगेशन मैटर्स कम होंगे और गवर्नमेंट का राजस्व भी बढ़ेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री और एजुकेशन के रिगार्डिंग भी कंट्रीब्यूशन करने से क्या एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी हरियाणा की, तो एजुकेशन की तरफ पैसा लगाने से ये होगा कि यहाँ पे भी शिक्षा की तरफ और एक अच्छा उद्योग बढ़ेगा जहाँ से कि सरकार को राजस्व बढ़ सकता है। जी ऐसे में अगर नैयर साहब अगर इस चीज को समझें कि इस बजट को आम लोगों की भाषा में अगर समझा जाए, इस क्या आपको लग रहा है कि छोड़िए व्यापारी वर्ग और बाकी वर्गों की अगर हम थोड़ी देर बात ना करें, अगर आम हरियाणा वासी की अगर हम बात करें वो किस नजर से देखेगा इस बजट की? अगर हम बात करते हैं आम लोगों से तो उसमें हर आम लोगों को हर चीज दी गई है इसके अंदर, हर चाहे किसी के क्षेत्र में उनके हेल्थ के इशू के उसमें हो चाहे रोड के उसमें हो हर चीज मिली। लेकिन इस बजट में एक जो चीज रह गई वो ये रह गई कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा। जी ये GST के बाद ये पहला बजट था स्टेट का, किसी भी स्टेट का जो आया है अभी तक, ठीक उस बजट में। लेकिन ये नहीं बताया गया कि GST आने के बाद उनका रेवेन्यू बढ़ा है कि घटा है। अब इन्होंने बजट तो अपना बढ़ा दिया, सारे इंक्रीज कर दिया, लेकिन रेवेन्यू कहाँ से आएगा और कैसे जनरेट करेंगे वो इस बजट में गायब है। तो इस बजट को अगर हम देखें है तो बहुत अच्छा बजट, लेकिन उसको रेवेन्यू कैसे आएगा, उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, अचीव कैसे करेंगे वो कहीं बताया नहीं गया है। अगर इस बजट में अगर हमारे वित्त मंत्री जी बताते तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी कि किस तरह करना चाहते हैं, GST का क्या इम्पैक्ट आया स्टेट के ऊपर, क्या उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है क्या उनका घट रहा है रेवेन्यू, वो कहीं शेयरिंग कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ हर चीज को इंक्रीज करते चले गए। लेकिन इंक्रीज करने में अगर कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, अचीवमेंट कैसे होगी वो इस बजट में गायब है पूरी तरह से। अगर इस बजट को अचीव कर पाते हैं तो एक आम लोगों के जो लोग कहना चाहते हैं करना एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो सब पूरी तो हो रही है, लेकिन इस बजट लेकिन वो सिर्फ इसमें देखा जाए तो सिर्फ पेपर फॉर्म में हो रही है, अनाउंसमेंट करना सिर्फ नहीं है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात होती है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा और राजस्व में वृद्धि किस तरीके से होगी, लेकिन राजस्व घाटे का जब उन्होंने जिक्र किया तो वो कहा कि लगातार वो जो घाटा है वो कम होता चला जा रहा है। अब पॉलिटिकल रिएक्शन जरा लेते हैं, वंदना पोपली जी आपकी नजर में, कांग्रेस की नजर में ये बजट कैसा? देखिए जैसा कि उम्मीद थी आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला बजट है। अगर मैं पिछले दो बजट की बात करूं कि जितने भी उन्होंने घोषणाएं की थी या वायदे किए थे या घोषणा ये बजट में जितनी भी योजनाओं की बात की थी कि हम कॉलेजेस खोलेंगे या और जो बातें की थी वो कहीं पर भी पूरी होते नहीं दिखाई दी। अगर मैं आप बात करूं 2016-17 की लाला लाजपत राय, सिर्फ दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगी, लाला लाजपत राय वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनाने का जिक्र हुआ था, हिसार एयरपोर्ट बनाने का जिक्र हुआ था,
कौशल विकास की बात की थी, 1,15,000 युवाओं को नौकरियों की बात हुई थी, वो उसके बाद खत्म। फिर बात आती है 17-18 की, सक्षम योजना के अंदर उन्होंने 2,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, हालांकि मैनिफेस्टो में वो 9,000 रुपए था, वो बात अलग है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि सोनीपत पंचकुला में नए IIT खुलेंगे, नया डेंटल कॉलेज खोला जाएगा, अध्यापकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, वो अब कहीं नहीं है। अभी भी उन्होंने क्या किया, नई चीजें सामने लेकर आए हैं। अगर मैं सिर्फ शिक्षा की बात करूं, 29 जो है महाविद्यालय खोलने की बात की है, सिर्फ जो एक ऊंचे लेवल की एजुकेशन है उस पर ध्यान दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा पहले वाले बजट में भी गायब थी, अभी भी उस पर कुछ नहीं किया गया। जब तक आप ग्राउंड लेवल पर एजुकेशन में कुछ नहीं करेंगे, हायर लेवल में करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक चीज और, पिछली बार जब कैप्टन अभिमन्यु ने, वित्त मंत्री जो है, उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था, तो उन्होंने SYL का जिक्र किया था। पहला पहला सेंटेंस उन्होंने यही बोला था कि निर्णय हमारे पक्ष में आया। आज एक साल बीत जाने के बाद जब मैंने उनका भाषण सुना, तो उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस दोबारा से बोला, वही कि हमारे पक्ष में जो है वो रिजल्ट आया। और साथ के साथ उन्होंने कहा कि इस बारे में मनोहर लाल खट्टर जी ने एक पत्र लिखा है मोदी जी को, एक साल के अंदर ये डेवलपमेंट है SYL पर, जो कि इम्पोर्टेंट लाइफ लाइन है, और रिजल्ट डिसीजन हमारे फेवर में आने के बावजूद अभी भी पत्र लिखा जा रहा है, आगे क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। एक चीज और यहाँ पर कहना चाहूंगी, 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने आते एक श्वेत पत्र जारी किया था, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था कि हरियाणा बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल जो है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, कांग्रेस बिल्कुल खराब छोड़कर गई है। तो आपको बताना चाहूंगी 2014-15 में जो हमारा कर्ज है वो 70,931 करोड़ था, आज वो तकरीबन दुगना हो चुका है। ये वित्त मंत्री के द्वारा दिए गए आंकड़े ही है 2017 के, कि 1,41,854 करोड़ का कर्जा यहाँ पर हो चुका है। तो क्या बताना चाह रहे थे मुझे नहीं मालूम। और एक चीज उन्होंने बार बार जो कंपैरिजन कर रहे थे वो 2014 की अर्थव्यवस्था से कर रहे थे। मेरा एक प्रश्न है, जब उन्होंने सेंटर की बात की, केंद्र की बात की, तो 2014 से बार बार कंपेयर कर रहे थे, तो मेरा एक प्रश्न बड़ा यहाँ पर है कि एक चीज बताइए कि उस समय पूरे विश्व में क्या स्थिति थी। पूरे विश्व में मंदी होने के बावजूद जो हमारा भारत है वो अग्रणी था, ठीक है, कहीं पर भी असर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, अभी विश्व से कंपेयर करिए ना, 2014 की स्थिति अलग थी, आज की स्थिति अलग है। ठीक है, अजय गुलिया जी। देखिए साकेत भाई, भारत नायर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बजट उन्होंने बढ़ा दिया हर जगह, लेकिन उसके लिए फंड्स जनरेट कहाँ कैसे होंगे इसका कोई जिक्र नहीं है। तो आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ भारत जी, कि इन्होंने जनरेट करने से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाना ही नहीं है। दो चार उदाहरण मैं दे देता हूँ, पिछली बार भी SYL के नाम पर बजट था, अब की बार भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, पिछली बार का भी खर्च नहीं हुआ, अब की बार भी उन्होंने कोई काम करने का काम उसमें किया नहीं है। दूसरी बात, अब मैं रोडवेज की बात करता हूँ, परिवहन के लिए इन्होंने 250 करोड़ का जो बजट अलग से एलोकेट किया था बसों के लिए, एक भी बस आई नहीं, बल्कि बसें घटी हैं। तो उन्होंने खर्च नहीं करना है, सिर्फ कागजों में उस बात को दिखाना है। रूरल डेवलपमेंट के लिए घटाया गया है, और वंदना जी ने तो ये बात मान ली कि 29 विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश में खुले। मैं कहता हूँ जमीनी स्तर पर कितने हैं, कितने फंक्शनल हैं, ये बात इनको बतानी चाहिए। खोलने की बात कर रहे हैं कि खोले जाएंगे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, पिछले साल भी यही प्रावधान था, कोई उस पर काम, कोई उस पर काम इन्होंने किया नहीं है। ये लोग तो सिर्फ कागजों में इस बात को लाने का काम करते हैं, धरातल पर कोई काम करने का काम नहीं करते हैं। अभी वंदना जी ने भी जिक्र किया उस बात का कि पिछले जब बजट पेश कर रहे थे तो वित्त मंत्री जी ने SYL का जिक्र किया था, आज भी सिर्फ जिक्र ही किया है, जबकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये बात कही गई है, और केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को ताकीद किया गया है कि आप लोग नहर का निर्माण करें, ये हम देखेंगे कि पानी कैसे आएगा, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि पानी कैसे लाया जाएगा। ये एक इंच भी उसको बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश के कमजोर मुख्यमंत्री, लचर मुख्यमंत्री तो देश के प्रधानमंत्री से मिलने तक का समय नहीं ले पाए। और बजट के अंदर जो आज किसानों को निराश करने वाला बजट है, कर्मचारियों को निराश करने वाला बजट है, बल्कि हाँ, कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के एक दो इन्होंने घोषणाएं जरूर की हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि किसानों को, अब आप साकेत जी एक बात बताएं,
ये कह तो रहे हैं कि गन्ने का भाव सर्वाधिक देने का ये काम कर रहे हैं, लेकिन उस गन्ने की खरीद नहीं हो रही है, उसके लिए अलग से फंड एलोकेट करना चाहिए था, किसानों को लाभ मिल सके, क्योंकि आज किसानों की दयनीय स्थिति है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनके लिए सरकार ने कुछ करने का काम नहीं किया है। कर्मचारी सारे रोडों पर हैं, उसके लिए वित्त मंत्री जी ऐसा बयान देते हैं कि सुनकर के हंसी आती है, वो कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं हुए इसलिए फंड ट्रांसफर नहीं हो पाया। ये किसकी कमी है, लाखों हजारों कर्मचारियों को परेशानियां सामना करना पड़ रहा है, इनके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होता। अजय गुलिया जी, कृषि की बात करें, कृषि में मैं एक चीज यहां पर समझना चाहूंगा अतुल सिंघल जी, क्योंकि इस बजट के जरिए, हालांकि पिछले बजट से कंपेयर जरूर होगा और होना भी चाहिए कि उन बजट में कितना पैसा एलोकेट किया गया और उस पर काम कितना हुआ, इस बजट में भी कृषि को पैसे मुहैया कराए गए हैं और 1838 करोड़ रुपए दिया गया है कृषि महकमे में, मत्स्य के लिए अलग है, पशुपालन के लिए अलग है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक जवाबदेही वाली सामने आई है बात कि हर विभाग की ये जवाबदेही होगी कि पैसे का सही उपयोग हो, इन तमाम चीजों से इतर इस जवाबदेही वाले फैक्टर को कैसे देखा जाए अगर इसको सही ढंग से इंप्लीमेंट कराया गया तो? देखिए, जवाबदेही और पारदर्शिता से सबसे बड़ा जो मतलब है वो भ्रष्टाचार से मतलब है, और जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, पिछले मैं तमाम सरकारों की बात कर रहा हूं, केवल इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, तो एक सरकार के सामने भी चुनौती है और वित्त मंत्री के सामने भी चुनौती है कि पारदर्शिता आए, जवाबदेही तय हो। जैसे कि अभी गुलिया जी ने बताया कि कई मद ऐसे हैं जिसमें पैसा खर्च नहीं हुआ था पिछली बार, तो अगर पैसा खर्च नहीं होता तो अफसरों की जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का काम, वित्त मंत्री का काम एक बजट बनाना, बजट एलोकेट करना है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो अफसर करेंगे। अगर वो कोई भी अफसर अगर इसमें कोताही बरतता है, चूक बरतता है, तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी भी है, इस बात को इन्होंने रेखांकित किया है। और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान देश है और राज्य है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, दूध के अंदर बताया वित्त मंत्री ने कि दूध की खपत बढ़ी है और प्रोडक्शन भी बढ़ा है दूध का, साथ में मत्स्य पालन के लिए जो है पैसा दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में ये एक संदेश जाने लगा था कि हरियाणा के अंदर हाउसिंग सेक्टर बात करें, इस चीज को समझ रहे, कहीं ना कहीं आंकड़ों को तो घुमाया जा रहा है। जीएसडीपी की जीडीपी की स्टेट की, ओके जीएसडीपी, उसमें कैप्टन अभिमन्यु ने पिछली बार कमिटमेंट किया था कि 9% रहेगा, इस बार वो कह रहे हैं कि 8% होने की संभावना है, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ों को घुमाया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कृषि की, किसानों की आय को दुगना कहा जा रहा है कि कर दिया जाएगा 2022 तक। आपको बताना चाहूंगी, अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं, मोदी जी के जो हैं फाइनेंशियल सलाहकार हैं, उन्होंने ये डेटा दिए कि 2014 में जो किसानों की आय थी वो 7000 रुपए थी, और आज एक साल पहले की बात उन्होंने की थी कि अब आय है वो है 1700। अगर 2022 में भी उसको डबल कर दिया जाएगा तो कितनी होगी, 1700 का दोगुना हो गया 3400, यानी कि पहले वाले से अभी भी आधी। तो आंकड़ों को घुमाने का ये काम करते हैं इनको, ये नहीं कि हम किसी तरह लोगों के लिए हम काम करेंगे 50%। ये एक्सक्लूसिव फिगर कहां से मिला वंदना, प्लीज, अरविंद सुब्रमण्यम जी के ये कहां शेयर किया, कहां शेयर किया गया है, उन्होंने शेयर किए क्योंकि कहीं ये फिगर नहीं है आपके अलावा, ये फिगर जरूर हम चाहेंगे कि ये फिगर भी आए सामने। और ये सिर्फ तीन जगह आए, ये अरविंद सुब्रमण्यम जी ने भी दिए और दो जगह भी आए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन प्रति व्यक्ति आए तो बढ़िया है इसमें, मैंने जो नोट किया कि 1,72,000, मैं किसानों की आय की बात कर रही हूँ कि किस तरह आंकड़ों को घुमाया जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ। किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हैं, पहले से कितनी कम हो गई, आप बताइए ना, कि पहले से, आप जब हर चीज को आप 2014 से कंपेयर करते हैं तो उसको भी 2014 से कंपेयर करिए, सिर्फ अपने मतलब के लिए आंकड़ों को घुमाना तो ठीक नहीं है ना। बात ये है, एक बार आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ, या आप ये मान करके चले कि आपकी सहमति चाहूंगा, ये किस प्रकार की बयानबाजी है कि आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेवार ठहराते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं हुए। एक सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है कि सरकार के डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होते, इस वजह से हजारों हजारों लोगों को धरने पर बैठना पड़ता है कि वो बजट उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, उनको फंड्स एलोकेट नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार के डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं। इसको कितनी बड़ी नाकामी सरकार की आप मानते हैं? देखिए, लापरवाही के साथ साथ थोड़ा सा इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जब कोई भी नई चीज़ शुरू होती है, नई योजना आती है, नया आप कुछ करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो कुछ इस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी नए काम को शुरू करने में। और अगर नाकामी वाली सरकार की लापरवाही वाली बात है तो उसके लिए तो सरकार को कदम उठानी चाहिए और उठाने भी पड़ेंगे। और लोगों को, जैसे आपने बताया, धरने पे बैठना पड़ रहा है, लोगों ने, आपने प्रदर्शन भी शायद पिछले दिनों किया था काफी, आपकी पार्टी ने। नहीं अतुल जी, दुर्भाग्य है मेरे देश का, दुर्भाग्य है मेरे हरियाणा प्रदेश का कि बॉर्डर पर
शहादत देने वाले एक जवान को मुख्य एक हमारे अपना सर्वस्व जिसने बलिदान कर दिया उस जवान की पत्नी को मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना मुंडन कराना पड़ता है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। दुर्भाग्य है वापस बजट पैसा नहीं मिलता। गुलिया जी वापस आते ही वापस जरा नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर वैट 12.5 से घटाकर 6% कर दिया गया है। बेशक सीएनजी की जो उपयोगिता है वो पूरे प्रदेश में इस वक्त उतनी नहीं है, लेकिन जितने भी प्रदेश के अच्छे शहर हैं जहां पर सीएनजी गैस का भी इस्तेमाल काफी हो रहा है, तो इसे एक अच्छे तौर पर देखेंगे गुलिया जी, कम से कम अच्छी पहल कहेंगे आप इसे कम से कम? अगर डायरेक्ट सीधे तौर पे किसी को भी फायदा होता है, चाहे वो किसान है या प्राइवेट व्हीकल्स या सरकारी व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज के लिए, बेसिकली मैं इसको अभी तक पूरी तरह ये सामने नहीं आया कि उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो उन्होंने सिर्फ कहा इंडस्ट्रियल सीएनजी जो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है उसमें कमी करने का काम किया है। जब तक इसको पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कमी किसी भी कीमत में हो, अगर किसी भी चीज़ की कीमत चाहे वो इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती हो या कोई आम आदमी उसको इस्तेमाल करता है, अगर वो कमी सरकार की तरफ से की गई तो अच्छी पहल है, लेकिन जब तक इसको पूर्ण रूप से समझा नहीं जा सकता मैं कोई ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। अगर मान लीजिए जैसा कि जिक्र है वाकई कि उद्योगों के लिए ही नेचुरल गैस की जो 12.5% से घटा करके वैट को 6% किया गया है, ये इंडस्ट्रीज के लिए ही है, इस बात का आप जिक्र कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के लिए ही है, तो भी इसे क्यों ना एक अच्छा कदम माना जाए? नहीं साकेत जी अच्छी बात है, लेकिन कितना इस्तेमाल होता है आप ये भी तो देखें कि अभी कितनी इंडस्ट्रीज हैं। Exactly. बहुत जस्ट मतलब आप ये मान करके चले नॉमिनल बहुत कम इंडस्ट्रीज इसको इस्तेमाल कर रही हैं, तो फायदा कितने लोगों को का? बड़ी बात यह है कि कोई भी काम सरकार की तरफ से किया जाता है उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। अगर वो बहुत चुनिंदा लोगों को, बहुत थोड़े लोगों को उसका फायदा मिलेगा तो कोई सरकार और सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ता है उन चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, तो ये इस बात को। और देखिए सीएनजी की बात हो रही है कि किस तरह से जो वैट है उसका 12.05 से 6% कर दिया गया। अभी भी आपने भी पूछा कि आपको लगता है क्या ये एक पॉजिटिव कदम है या ये अच्छा कदम है। एक्चुअली एक भ्रामक तरीका है। आप ये देखिए ना, पहला पॉइंट तो अभी गुलिया जी ने भी कहा कि बहुत कम लोग इसको यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि सबसे पहले तो पेट्रोल और गैस को जो सीएनजी है उसको हमें जीएसटी के साथ ही रखना चाहिए था, उसको अलग रखा गया। अब ऐसा क्यों नहीं किया कि डीजल पर भी जो है वैट को कम कर देते तो कहीं ना कहीं सब्जियों के रेट कम होते या जो हमारे डेली उपभोक्ता की चीजें हैं उनके रेट कम होते, डायरेक्ट फायदा पहुंचता लोगों के पास। अब एक भ्रामक तरीके से दिखा दिया गया। अब कितने लोग इसको यूज करते हैं सीएनजी को वो देखने की बात है, एनसीआर में यूज होता है लेकिन बाकी जगह पे कितना यूज हो रहा है वो देखने वाली बात है। जी अतुल जी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सकारात्मक तरीके से देखने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण की जब हम बात करते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है कि सीएनजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सीएनजी पर वैट कम करने का एक ये भी कारण हो सकता है कि लोग सीएनजी की तरफ जाएं, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। जैसे इन्होंने पब्लिक जी ने कहा कि डीजल पर कम होना चाहिए, डीजल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है और डीजल पर कम करके रेट कम करके, क्योंकि सारा का सारा इंपोर्टेड है, उसको सरकार उस तरीके से अपने बजट को नहीं चला सकती है कि जैसे उसको चलाना चाहिए। वो आमदनी का साधन है, डीजल और पेट्रोल सरकार के लिए सबसे ज्यादा आमदनी का साधन है। तो मैं इसको थोड़ा सकारात्मक तरीके से देखता हूँ कि सीएनजी की बढ़ोतरी के लिए, बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और प्रदूषण कम हो, शायद एक ये कदम उस तरफ काम आए सरकार का। सर इसमें मेरे चीज़ थी, अगर प्रदूषण ही कम करना था, हम हर साल देखते हैं जब भी कहना पराली जलती है उससे हमारा पूरा जो हमारा एनसीआर से कहते हैं वो पूरी तरह उसमें फॉक आया था इसमें, तो उसकी तरफ इस बजट में कुछ नहीं आया, लेकिन वही चीज सेंट्रल के बजट आया था उसमें थी, इस बजट से बिल्कुल नहीं आया था वो। ऐसा क्यों? मतलब इसमें अगर हम उसको रखते उसमें अगर कुछ एलोकेशन करते उसका वे आउट निकालते, देखिए चाहे वो कोई भी हो, हम ही वहां रहते हैं आप भी वहां रहते हैं, तो हमारे लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए उसके लिए। अगर आप ये कहते हैं कि पॉल्यूशन को लेके सीएनजी का हमने सिर्फ कराया हमने, अगर उसके तो वहां भी करना चाहिए उनको। देखिए आपको किसी भी काम को अचीव करने के लिए चारों तरफ से चारों दिशाओं में आपको काम करना पड़ता है, मल्टीपल टास्किंग। अगर पराली का बजट में नहीं है या पराली के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया तो एक कमी सरकार की हो सकती है, उस तरफ उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो शुरुआत है, जो अगर कुछ पॉजिटिव चीज है तो उसको अगर पॉजिटिव कहा जाएगा, कोई कमी है तो उसको स्वीकार करना मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव को पॉजिटिव कहा जाएगा। लेकिन जो एम है वो एम ये नहीं है कि पॉल्यूशन को कम किया जाए, ये एक दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से हमने वैट को कम किया है। अगर वही मैं इनके जो भारत जी हैं उनकी बात को सही मानती हूँ कि अगर उनको लगता है कि पोल्यूशन को कम करना है तो पराली पे क्यों वर्क नहीं किया गया या बाकी और जो पुराने व्हीकल्स चले आ रहे हैं उन पर क्यों नहीं वर्क किया गया। अगर उन पर भी वर्क किया जाता तो पोल्यूशन ऑटोमेटिकली बहुत कम हो सकता था। तो यहाँ पर जो लोगों
का है एक भ्रामक तरीके से दिखाने की कोशिश की कि देखिए हमने एक स्टेप लिया और इतना ज्यादा हमने 50% जो है हमने जो इस पर टैक्स जो है वो कम कर दिया। ठीक है, एक्चुअली एक सवाल मेरा माइक्रो इरिगेशन से भी जुड़ा हुआ है। इस सेक्टर में भी 3,222 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। माइक्रो इरिगेशन में भी जिस तरीके से एक सरकार की एक कोशिश रही है, इसको भी सराहनीय कदम माने? देखिए, क्योंकि छोटे किसान हैं और साथ में इरिगेशन की जब बात करते हैं, पानी की बड़ी समस्या है पूरे देश में और खासतौर से हरियाणा में भी। SYL का मुद्दा लगातार चलता रहता है। अगर कम पानी में और इरिगेशन के लिए एक नए तरीके अपनाए जाएं और कुछ नई चीज़ विकसित की जाए तो उसमें तो स्वागत योग्य कदम हो सकता है वो। क्योंकि गुलिया जी, आप लोग भी लगातार किसानों की बात करते आए हैं और ये तो एक माइक्रो इरिगेशन की बात यहाँ पर सामने आई है। बड़े किसान तो हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए जो दिक्कतें होती हैं उस पर हम बाद में चले जाएंगे गुलिया जी, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, होगा भी या नहीं होगा, लेकिन इस कदम को तो सकारात्मक देखें। देखिए साकेत जी, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात चले, कम से कम किसी बात नहीं, को तो आपने नहीं साकेत जी, हम कोई विरोध करने के लिए विरोध थोड़ी करेंगे। आप साकेत जी एक बात समझें जी, इतनी नियम कंडीशन है, इतनी शर्तें हैं कि एक छोटा किसान, एक जो छोटा किसान है वो इन सरकारी सुविधाओं को ले नहीं पाता है। समस्या यहाँ करके ठहर जाती है कि जब उसको, एक छोटे किसान को इन सरकारी सुविधाओं लेने के लिए इतनी कंडीशनें, इतने कागज फॉर्मेलिटी सरकारी तंत्र की उसको पूरी करनी पड़ती है कि वो थक हार कर इसको छोड़ना ही बेहतर समझता है। और एंड में जब मैं हमेशा एक बात करते हैं कि एंड यूजर तक योजनाओं की घोषणा करना, बजट एलोकेट करना और पैसा ट्रांसफर कर देना नहीं, एंड यूजर तक जिस तक ये मदद पहुंचनी चाहिए, ये सुविधा पहुंचनी चाहिए, वहां पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है की बात है, वहां तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती। और पिछली बार का भी बजट आप देख ले, लोगों को इसका लाभ मिला नहीं था, वो ऐसे का ऐसे रह गया था। हम लोग तो ये मांग करते हैं कि इसको इस प्रकार से सरल बनाया जाए कि उस छोटे किसान को ये मदद मिलनी चाहिए, उस तक ये मदद पहुंच जाए, सिस्टम को इस प्रकार से बनाना चाहिए, लेकिन सरकार की ऐसी कोई पहल नहीं है, ऐसी कोई कोशिश नहीं है। गुलिया जी, इसके लिए तो मुझे लगता है कि देखिए 51 साल हो गए हरियाणा को बने, बीजेपी की सरकार पहले भी रह चुकी है, अब फिर है, कांग्रेस की लंबे टाइम तक सरकार रही, आपकी सरकार भी रही, तो अगर किसानों की दुर्दशा है इसके लिए हम किसी एक व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार, 51 साल में जो काम नहीं हुआ और उसके लिए हम क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए दोषी नहीं है, इंक्लूडिंग मतलब जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो तो आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप लोग लंबे टाइम तक सरकार में रहे हैं, 10 साल तक हुड्डा जी का राज रहा है, क्यों सरकार की योजनाएं अभी तक किसानों को, हम 51 साल बाद भी बात ये कर रहे हैं और इस बात को सवाल उठा रहे हैं कि किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाता। देखिए अतुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं तो हमेशा एक बात और हमारी पार्टी एक बात मान करके चलती है कि अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको हरियाणा प्रदेश के लोगों ने चुना है, सरकार में सत्ता आपकी है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है उन लोगों के प्रति जिन लोगों ने चुन करके आपको भेजा है। लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से, या मैं कहूँगा पिछले 13-14 साल से, जो किसान की दुर्दशा है, किसान की जो प्रति व्यक्ति आय है वो घटती जा रही है, जोत छोटी हो गई है, तो किसान को जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा चाहिए, जो बनस्पत की सुविधाएं घटती जा रही हैं, बात ये नहीं है। मैं तो हमेशा, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जिसको भी लोगों ने सत्ता में चुना है उसकी जवाबदेही लोगों के प्रति बनती है, चाहे वो हमारी सरकार ही क्यों ना हो, जवाबदेही है। अगर आखिरी आदमी तक सहायता नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, सब लोग जिम्मेदार है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, 38% किसानों ने ज्यादा आत्महत्या की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये फर्क है। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके समय में शुरू हुआ या बाकी और जितनी योजनाएं शुरू की गई, किस तरह से जो धान का जो है मूल्य सबसे ज्यादा जो है हमारी सरकार में दिया गया, ये ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन एक कंपैरिजन तो कर सकते हैं कि कौन सा जो है समय बेहतर था। मेरा ये मानना, आत्महत्या चाहे एक किसान करे चाहे 38% ज्यादा करें, एक आत्महत्या भी अगर हो रही है गलत है, लेकिन 30% भी अगर ज्यादा हो रही है तो वो भी सोचने का विषय है। एक रोजगार के फैक्टर पर वापस लौटते हैं, युवाओं के फैक्टर पर लौटते हैं वापस, क्या आपको लगता है कि अभी सरकार को और ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि रोजगार प्रदेश में नहीं है और इस बजट में भी इस तरह की कोई मतलब बहुत ज़्यादा तस्वीर नहीं उभर कर सामने आई जिससे हम ये कहें कि युवाओं के लिए ये पूरा का पूरा बजट फोकस किया गया होगा, क्योंकि अगर हम इसे चुनावी बजट के तौर पर देखें तो हरियाणा की आबादी में भी युवा वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है जी, और पिछले साल भी हमने देखा मुख्यमंत्री ने सम्मेलन किया था गुड़गांव में, मैंने भी शायद उसमें शिरकत की थी एज पत्रकार, तो
लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, और खास तौर से जैसे हरियाणा की हम बात करते हैं, कुटीर उद्योगों की तरफ सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सरकार केवल सरकारी नौकरियां क्रिएट करे और वहां पर लोगों को रोजगार दे, वो शायद सरकार के लिए भी मुश्किल है और वो संभव भी नहीं है। तो इसलिए इंडस्ट्री की तरफ और कुटीर उद्योग जो है, जो परंपरागत उद्योग है हरियाणा के, उसकी तरफ ज्यादा फोकस होना चाहिए था और सरकार को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर हमने नजर डालने की कोशिश की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इस बजट को हमने समझने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके का ये बजट रहा और किस तरीके से इस बजट को इम्प्लीमेंट ठीक ढंग से जब तक नहीं करा पाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तक पैसे चाहे आप कितना भी अलॉट कर दीजिए, उस पैसे का सदुपयोग अगर नहीं हो पाता तो ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि इस बजट का परिणाम क्या निकलेगा। फिर भी हम अगली बार भी चर्चा करते रहेंगे कि कंपेयर करते रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के। तो पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।